हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर यू फाइन। माई सेल्फ इज सुरेंद्र पाल, योर केमिस्ट्री लेक्चरर फ्रॉम रामदास सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 6 जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, पार्ट 3। डियर फ्रेंड्स, द प्रीवियस वीडियो आर डिस्कस जोन ऑफ कॉम्बुशन एंड टूडे आर डिस्कस जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। ओके डियर फ्रेंड्स, तो जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन में क्या होता है? इस जोन में जो स्लैग का फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है ये देखिए। द मिडिल ऑफ फर्नेस, द मिडिल मिडिल ऑफ द फर्नेस फर्नेस को हम आगे यूज करेंगे। द टेम्परेचर इज नियरली nearly 1123 Kelvin। ओके डियर फ्रेंड्स, रिएक्शन देखिएगा, CaCO3 लाइन स्टोन है, इसको आप डायरेक्ट रीड कर रहे हैं फॉर्मेशन 1123 Kelvin पर, तो आपको मिलेगा CaO+CO। नेक्स्ट है CaO+ यानी कि सिलिका, सिलिका की फॉर्मेशन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ 1123 केल्विन। टेम्परेचर पर आपको बनेगा CaSiO3। दिस फॉर्मूला इज नोन एज कैल्शियम सिलिकेट। देयर इज नोन एज स्लैग, देयर इज नोन एज स्लैग। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ रिडक्शन। इसमें क्या होता है? रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स का रिडक्शन होता है, जो हमारे पास में और होता है उसका रिडक्शन होता है। इसके साथ होता है कार्बन मोनो ऑक्साइड के साथ में, कार्बन मोनो ऑक्साइड। तो देखिएगा, दिस इज द अपार, दिस इज द अपार पार्ट ऑफ द फर्नेस, पार्ट ऑफ द फर्नेस द टेम्परेचर रेंज बिटवीन 500 Kelvin to 900 Kelvin। अब रिएक्शंस देखिएगा रिडक्शन वाले, तो 3Fe2O3 हेमेटाइड हो रहा है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिड्यूस करेंगे कितने टेम्परेचर ऑफ 573 से 573 केल्विन टू 673 केल्विन, और आपको बन जाएगा यहाँ से Fe3O4+CO2 कार्बन डाइ
ऑक्साइडेशन बैलेंस कर दिए तो यहाँ पर टू कर दो। नेक्स्ट रिएक्शन है सी में सेम Fe3O4 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड एरो एरो ब्लिंग 773 केल्विन 2873 केल्विन। आपको तो बन जाएगा यहाँ से FeO प्लस CO। नेक्स्ट रिएक्शन है Fe2O3 प्लस CO एरो। टेम्परेचर डिफरेंस सेम टू सेम रहेगा 773 केल्विन 2873 केल्विन और क्या बनेगा यहाँ से Fe2O प्लस CO2 यहाँ कितने कर रहे हैं 2। दिस रिएक्शन इज बैलेंस। तो न्यू लाइन से देख सकते हैं द रिडक्शन ऑफ FeO इनटू या टू Fe टू FeO का किसमें हो रहा है रिडक्शन Fe में आता है हाई टेम्परेचर टेम्परेचर बाय CO2 गैस। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे रिएक्शंस के। रिएक्शन है रिएक्शंस FeO प्लस CO एरो 1123 केल्विन Fe प्लस CO2 FeO प्लस CO2 लिख सकते हैं द डायरेक्ट रिडक्शन द डायरेक्ट रिडक्शन रिडक्शन ऑफ आयरन IV लेफ्ट अनट्रीटेड also occur occur with carbon above टेम्परेचर। जिस टाइप यूज करेंगे रिएक्शन देखेंगे Fe2O3 प्लस कार्बन एरो 1123 केल्विन टेम्परेचर एरो सामने 2Fe प्लस 3CO यहाँ पर रिएक्शन थ्री करते हैं। दिस टॉपिक इज क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग है और बाकी नेक्स्ट हेडिंग है जोन ऑफ फ्यूजन। कौन सा जोन है फ्यूजन। दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द फर्नेस। ये कहां का पार्ट है लोअर पार्ट है किसका फर्नेस। तो इसे लिख सकते हैं दिस इज
लोअर पार्ट ऑफ यूज करेंगे द टेम्परेचर रेंज द टेम्परेचर रेंज बिटवीन द टेम्परेचर रेंज बिटवीन 1423 केल्विन टू 1673 केल्विन स्टाफ का यूज करेंगे आयरन मेल्ट एंड डिसॉल्व ए स्मॉल अमाउंट ऑफ a small amount of carbon, phosphorus, silicon, manganese, and sulfur list of the reduction of the reduction of sulfate phosphate silicate oxygen in the ore are present in the ore. The slag calcium silicate CaSiO3 calcium silicate also melt in the region. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये फर्नेस का सबसे निचला पार्ट होता है. द टेम्परेचर रेंज बिटवीन 1423 केल्विन टू 1673 केल्विन. इसका जो टेम्परेचर होता है वो बेटा इसके बीच में और इसके बीच में प्रेजेंट होता है. आयरन मैन एंड डिसॉल्व स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन फॉस्फोरस सिलिकॉन मैंगनीज एंड सल्फर. आयरन को आप मेल्ट करके इसमें डिसॉल्व करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ इन के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे. द रिडक्शन ऑफ सल्फेट फॉस्फेट सिलिकेट आर प्रेजेंट इन द ओर. जो ओर में सल्फेट फॉस्फेट और सिलिकेट प्रेजेंट होते हैं उसका क्या हो जाता है रिडक्शन. द स्लैग कैल्शियम सिलिकेट आर सो मेल्ट इन द रीजन. और वो क्या हो जाता है इससे बाहर क्या बन जाता है कैल्शियम सिलिकेट बाहर निकल जाता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना इसके नीचे का जो डायग्राम है मैं आपको PDF में सेंड करूंगा. ठीक, इसका डायग्राम ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम आपको PDF फाइल में मिलेगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स कन्वर्जन ऑफ कास्ट आयरन इनटू रफ आयरन. किसको कास्ट आयरन किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं आप रफ आयरन को देखिएगा. रफ आयरन इज द प्योर आयरन. रफ आयरन इज द प्योर आयरन जिसका आप यूज करेंगे. इट हैज लो कार्बन कंटेंट
कॉमा का यूज कराया गया है। कास्ट आयरन कास्ट आयरन इज हीटेड इन अ रिवल रोटरी फर्नेस ऑक्साइड ऑफ इंप्योरिटी द ऑक्साइड ऑफ इंप्योरिटी ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन कास्ट आयरन टू कार्बन मोनोऑक्साइड विच स्केप विच स्केप फ्रॉम द एग्जिट रिएक्शन देख सकते हैं Fe2O3 प्लस कार्बन एरो टू पर रिएक्ट करेगा 2 Fe प्लस 3 CO कार्बन मोनो ऑक्साइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नई लाइन से लिख सकते हैं रफ आयरन इज rough iron is very soft, malleable and ductile. देखिएगा MA LL TA BL मेवेल एंड डक्टिल। कास्ट रफ आयरन टाइप होता है, सॉफ्ट होता है, मेवेबल होता है और डक्टिल होता है। दिस टॉपिक इज क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग है डियर फ्रेंड्स कास्ट आयरन। दिस इज द This is the least pure form of pure form here. Commercial iron and contain iron and contain
द हाइएस्ट परसेंटेज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन टू पॉइंट फाइव परसेंट एंट्रेस ऑफ इंप्यूरिटी लाइक कार्बन फास्फोरस कार्बन भी रिप्रेजेंट है इंग्लिश सल्फर फास्फोरस एंड सिलिकॉन क्रिस्टल को यूज करेंगे द एवरेज कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयरन इज एट इक्वल टू 93 से 95% फॉर्म अगर यूज करेंगे कार्बन C इक्वल टू 2.5 से 4.5% कॉमा का यूज करेंगे सिलिकॉन एस आई इक्वल टू यह है 0.6% से 2.8% कॉमा का यूज करेंगे फास्फोरस P इक्वल टू 0.4% से 1.0% एंड सिलिकॉन फास्फोरस कार्बन आईपी एंड सल्फर 0.1% से 0.3% एंड एम एन इक्वल टू 0.3% से 1.2% ओके टॉपिक इज क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग है यूजेस ऑफ आयरन। नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स कास्ट यूजेस ऑफ आयरन। पॉइंट नंबर वन है कास्ट आयरन इज यूज टू स्टोव टॉयज रेलवे स्लीपर एंड गटर पाइप। कास्ट आयरन का यूज स्टोव बनाने में टॉयज बनाने में रेलवे स्लीपर बनाने में एंड गटर पाइप बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर टू रफ आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट बनाने में एंड डायनामोस फॉर इलेक्ट्रिक मोटर के डायनामोस बनाने में इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नेल्स बोल्ट्स एंड चेन बोल्ट्स और चेन के मैन्युफैक्चर में भी किया जाता है। पॉइंट नंबर थ्री है स्टील इज द मोस्ट वैरायटी ऑफ आयरन। स्टील जो है वो आयरन की मोस्ट वैरायटी है। इट इज यूज इन एमोर प्लेट बनाने में किया जाता है एरोप्लेन बनाने में साइकिल बनाने में एंड ऑटोमोबाइल्स पार्ट बनाने में किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में यहाँ ही तक हम वर्ग आपको सेंड करेंगे। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को सीन करने के बाद उसे लाइक अवश्य करें। ओके डियर स्टूडेंट्स।